आप पूरी दुनिया में वो सीसीटीवी फुटेज दिखा लो, वो बता देंगे कि कौन पागल है। वो यही कहेंगे कि वो गाड़ी लेके आ रहा है, उसने सारे रूल्स वायलेट कर दिए, वो पागल है, और जो उसका चालान नहीं काट रहा वो डबल पागल है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है रोस्टिंग लखनऊ थप्पड़ कांड, जो बेवजह कैब ड्राइवर भाई उस लेडीज ने, मेरे ख्याल से पागल है, चाहे बेशक हरासमेंट की वह शिकार हो चुकी है। जब सारे भाई एक कहना खड़े थे रोड पे, तो वह बदमाशी में आगे चल ली और उसने रोड क्रॉस करने की सोची। दो लाइन ना तो वह बच गई, तीसरी लाइन में भाई का फंस गई। जो भाई थोड़ी और ज़्यादा स्पीड पर होता ना, तो उसने ठा ले जाता। तो लोग अपनी गलती नहीं मानते, तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठ कर मजा आएगा। आप पॉजिटिव मीम्स बनाओ पर नेगेटिव मीम्स मत बनाओ। आपका कहना है कि पॉजिटिव मीम्स मेरे बना लो पर नेगेटिव ना बनो। हाँ, मेरे पॉजिटिव मीम्स बनाओ आप, जैसे कार्टून में मजाक हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा मत करिए जिससे किसी के की इमेज डिस्ट्रॉय। चुप, बिल्कुल चुप। जब भी मेरी बॉडी से बहुत क्लोज कोई आ जाता है तो, बट ऑब्वियस सी बात है, मुझे गुस्सा आता है, तो या तो मैं उसे धक्का मारती हूँ, ठीक है, और नहीं अगर तब भी नहीं मानता है तो आई स्लैप दैट पर्सन, ठीक है। तो इसे एक तरीके से और कह सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन करना या तो कानून को वायलेट करना। इसकी इज्जत इज्जत है, दूसरे की इज्जत कुछ नहीं। भरे रोड पे, भरे बाजार में थप्पड़ मारे उसके, और वो भी 20-25 जड़ दिए, और अपने आप ने बीमार बतावे यार। पॉजिटिव मीम्स बनाओ भाई इसके ऊपर, नेगेटिव नहीं। कदे इसकी इज्जत का गंठे ना बंधे जाए भैया। छोरी तो ना तो कितना बस में, ना कितना मेट्रो में, ना कितना रेल में जान के लायक कौन है। इसने तो कोई का दो राजे का छो उठ जा भाई गणा। इसके तो गले में भैंस की बेल बांध गए, बड़े बड़े अक्षर में लिखवा देना चाहिए भाई, 2 गज की दूरी, ना तो छोरी का छो उठा गणा, थप्पड़ जड़ देगी गणे। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में। देखिए, आप कह रही है शरीर पे चोट लगी है। आप कह रही, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हाथों पे निशान है, हाथों पे निशान है, ये पूरी चोटें लगी हुई है। अगर मैंने उसको मारा तो ये चोटें कहाँ से लगी है मुझको, ठीक है, ये पूरी हड्डी, वो खींच रहा था मेरी हड्डी को। यार ये झूठ बोलने में मतलब कितनी एक्सपर्ट है, हड्डी खींच रहा था, ये निशान है भाई, मैंने तो इसका एक निशान नहीं दिखा कितने भी, इतनी झूठी चोरी मैंने कभी जिंदगी में कौन देखी भाई। यार ये कितनी औसम है यार। आप पूरी दुनिया में वो सीसीटीवी फुटेज दिखा लो, वो बता देंगे कि कौन पागल है। वो यही कहेंगे कि वो गाड़ी लेके आ रहा है, उसने सारे रूल्स वायलेट कर दिए, वो पागल है, और जो उसका चालान नहीं काट रहा वो डबल पागल है। बीस पापा की परी ने तो भाई उड़ना था, या तो सोच रही थी मुड़ जाऊं, जो वो भाई गणी रफ्तार में हो ना, इतना ठा ले जा बोनट पर बैठा ले जा घर तई, फिर पै 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 करे उड़े तू। कम से कम 200 लोग थे, जिसमें से 100 लोगों ने इंस्टेंट मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो जो भी मुझे डिफेंड कर, जो भी मुझे मिल रहा था, एक तो मेरे, मैं निहत्ते थी, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। क्या बोला तूने? मारी आंख से बटन कोन्या, पूरी दुनिया ने मेरा पाट लिया, जो कर तू उसका उछल उछल कर थप्पड़ मार थी, के बात गणी जान हो रही है। जब किसी डबसर के अंतर एक मार दिया होता ना, उस छोरे की उम्र कैद हो जाती। थोड़ा सोच समझ गए, महिलाओं का फायदा ना उठाया करो। उम्मीद नहीं कर सकते ना कि आप बीच सड़क पर किसी को पकड़ के पीटने लगे। वो चला जाएगा, ये भी एक्सपेक्टेशन पढ़े लिखे नहीं करते हैं मैम, जाहिलों से जाहिल है। स्टैंड लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस छोरे के ऊपर देख लो इसने कितना बड़ा आरोप लगा दिया, जाहिल। उस भाई ने इसके एक अंगली टच नहीं करी, अरे उसके इतने थप्पड़ मार गई, बदनाम करने की भी एक हद हुआ है। अगर थप्पड़ मार दिया तो जस्टिफाइड है कि लड़की ही सही, लड़का गलत। हाँ, लड़का गलत। अगर भाई जान मैं अगर हाथ भी रख देता तो मुझ पे ये कितनी धाराएं लगा देती, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। मेरे घर में मेरी माता पिता ने ये नहीं सिखाया है किसी औरत को मारना। मैं एक बहुत अच्छे घर का हूँ, माँ ने मुझे तरबियत दी है, माँ के पैरों में होती है जन्नत, ये आप भी जानते हैं। पागल औरत कह लग रही है कि शहादत अली मैंने मारना चाहवा थे, इस बार ननू के बेरा है, जो तेरा मारना चाहता ना, इतनी स्पीड में गाड़ी बजा वो, तेरी लाश भी ना मल उड़े, बेरा क्यों होता तेरी गला, चपक जाती उड़े रोड पे, बेच जाती।
कंट्रोल योर सेल्फ, झूठ बोलने की भी एक आदत होती है। भैया जी आप तो मुझे मार रहे थे वो लोग मिल करके, पूरी जितनी पब्लिक है या उसके लोग हैं, अटैकर के लोग थे, मुझे हिट किया, क्या सेल्फ डिफेंस में मैं उसको मार नहीं सकती? कोई सेंस है इस बात की? कानून को अपने हाथ में लेना, बीच सड़क पे एक नी दो नी तीन नी चार नी 20-25 थप्पड़ मार दिया, छोरे गए। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में इतने लोग थे क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा है, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए। इबीस का कहना है 100-200 लोग थे उसकी गल्ला। अरे झूठी औरत कम से कम छोटा मोटा झूठ बोल देती जो कम से कम चाल जाता। उड़े रोड पे ना दुनिया उसने पटता देखने लग गई थी। किसी ने नहीं छोटा, एक भाई आता था ना उसका भी थप्पड़ मार दिए थे। अरे पूरा हिंदुस्तान से इसकी गल्ला, तेरा राज जरूर बैठेगा, तू मानना को नहीं। लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए, हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक। हाथ की हड्डी टूट गई, लठ भी मार दिए, अरे भैया गछड़ा गछड़ा लेके भी आई इसने। अरे हाथ नूबिया लाल लग रही है और प्लास्टर भी नहीं चढ़ रहा छोरी गए, के बात है, फुल्ला पे बैठा के लेके जाते इतने भी हैं, और मारा भी क्या थे वे तेरे फोम फाम का बैट बूट हुआ, फोम के डंडे होंगे उन तो मारते होंगे, जो तेरा गम चोट आई होगी भीतर भीतर किसी ने दिखती ना होंगी। एक लड़की एक लड़के को उछल उछल के मार रही थी, अगर ऐसा किसी लड़की के साथ होता तुम चुप रह पाते क्या? और बिना गलती के सामने कोई भी हो तुम मार खाते क्या? ताऊ ने कती एकदम बढ़िया बात कह दी, बीच सड़क पे भोले भाले इंसान के 20-25 थप्पड़ मार दिए, पूरे हिंदुस्तान में उसकी बेइज्जती होगी, पूरे परिवार की बेइज्जती होगी, उनके गांव गवांड में सारे गए, वो कित मुँह दिखाऊगा छोरा। अगर उसकी जगह कोई और होता ना भाई, चाहे तो मर जाता, चाहे साले नागले ने मार देता, चाहे कोई हो, बाद में उसका कोई रीजन होता, इतनी बड़ी बेइज्जती कोई नहीं करा सकता भाई। क्योंकि वो गरीब था, कैब ड्राइवर था, अगर उसकी जगह कोई और होता ना भाई, मैं भी होता भाई, बर्दाश्त को नहीं होगा, चाहे साले नागले ना मार दे वह, चाहे खुद मर जा, इतनी बड़ी बेइज्जती है के समाज में उनके घर के मुंह दिखाऊंगी, क्योंकि माँ मुंह दिखाओगी के वो भाई मुंह दिखाओगा, उसकी इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट कौन वापिस लेकर आओगा? कोई नहीं लेकर सकता मेरे भाई। अगर उसकी जगह एक बार खुद सोच कर देखो, अगर तुम उसकी जगह होते तुम के करते? और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वुड़े जाकर भी सारे भाई मैंने फॉलो कर लियो।